जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी का जो राइट इशू ओपन हुआ है, इस राइट इशू के बारे में बात करेंगे। बताऊंगा कि राइट इशू कब से कब तक ओपन रहेगा। आपके पास यदि इस कंपनी के शेयर हैं, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको इसमें क्यों, मतलब ये जो राइट इशू ओपन हुआ है, इसमें क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ी बात अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कमेंट में सबसे ज्यादा सवाल लोग यही चीज को लेके पूछते, तो अप्लाई करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। कंपनी काफी शानदार है, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट उनको तो पता ही होगा। कोई नया व्यक्ति यदि राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, जो छोटे बड़े सभी तरह के मतलब कंपनियों से लेके स्टार्टअप तक को, स्टार्टअप यानी जो छोटे कंपनी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी तरह की कंपनियों को ये लोन का समस्या जो होता है उसको समाधान करते लोन सुविधा देती है। और यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, कंपनी स्टॉक मार्केट में भी जुड़ी हुई है, स्टॉक मार्केट में भी कंपनी डीलिंग करती है, काफी एक प्रकार से कहें तो विस्तृत कारोबार है इस कंपनी का, नाम है इस कंपनी का फाइनेंस के सेक्टर में। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सही लेवल देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं राइट इशू के बारे में। देखिए, वर्तमान में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 5 रुपए के आसपास। राइट इशू में होता है क्या है कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू लेकर आती है, तो इसमें जो कंपनियां शेयर्स देती हैं अपने निवेशकों को, उसका जो प्राइस रखा जाता है वो हमेशा मार्केट भाव से कम प्राइस पे रखा जाता है। यानी कि अभी इसका शेयर का दाम है 5 रुपया, और राइट इशू में जो कंपनी शेयर्स आपको देगी उसका प्राइस इस 5 रुपए से कम रहेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो राइट इशू का सीधा सा मतलब होता है जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो राइट इशू लेके आती है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई करते हैं जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर होता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं। हालांकि जिसके पास कंपनी के शेयर पहले से नहीं है वो भी इस राइट इशू में अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उससे अलग से मार्केट में आ रही शेयर मिलता है, उस आ रही शेयर को बाई करना होता है और फिर अप्लाई करना होता है। हालांकि ये काफी महंगा पड़ जाता है, तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। जिसके पास पहले से शेयर है सिर्फ उसी को इस राइट इशू में अप्लाई करना है, और जिसके पास पहले से शेयर है उससे कुछ एक्स्ट्रा शेयर उसके डीमैट अकाउंट में आ गए होंगे। ये जो एक्स्ट्रा शेयर आए हैं वही आपका आरी शेयर है। और मैं बता दूं कि ये एक्स्ट्रा शेयर किसी न किसी रेशियो में मिलता है, ऐसा नहीं कि कंपनी ने जिसको जितना मन किया उतना दे दिया। ये रेशियो यहाँ पे देखेंगे रखा गया है एंटाइटलमेंट का रेशियो 1:3 का, यानी कि जिसके पास 3 शेयर हैं उसे एक एक्स्ट्रा शेयर मिला होगा और इसी के मल्टीपल में एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि जब तक ये इशू ओपन है इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करना है तो जो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिला है उसे आप बेच सकते हैं, बेच देंगे तो कुछ रुपए आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए, जिससे मैंने आपको बताया कि राइट्स इशू में कंपनी जो शेयर्स आपको देती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिला है उसका प्राइस मार्केट भाव से कम प्राइस पे रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2.75 रुपए एक शेयर का दाम रखा गया है, जबकि मार्केट में इसी कंपनी के शेयर का प्राइस है 5 रुपए के आसपास, यानी कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे तकरीबन 2 रुपए के आसपास आपको फायदा हो गया। तो यहाँ पे समझना ये है कि यदि आप इस राइट इशू में अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको शेयर सस्ता मिल रहा है मार्केट भाव से, आप यदि बाई करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस है कम हो जाएगा, और चूंकि सस्ता मिल रहा है तो निश्चित ही आपको बाई करना चाहिए और भी आपके बेनिफिट हो जाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति को नहीं अप्लाई करना है तो वो क्या करेगा कि 12 नवंबर के पहले तक इस कंपनी के शेयर्स को बेच देगा जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है, नहीं अगर 12 नवंबर तक इस एक्स्ट्रा शेयर्स को यानी कि जो आरी शेयर्स मिला उसको नहीं बेचेंगे तो ये आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। बेच दीजिएगा तो 2.75 रुपए के हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट हो जाएगा, नहीं बेचेंगे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, हालांकि वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। अप्लाई करना है 7 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है लास्ट में बताऊंगा। इस इशू के जरिए कंपनी 48 करोड़ 96 लाख रुपए उठाने जा रही है, जिसके लिए मार्केट अलग से इतने शेयर कंपनी अपना उतारेगी। अब समझिए, इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएससी पे होगी क्योंकि बीएससी पे ये स्टॉक लिस्टेड है। यहाँ पे जो व्यक्ति मैं कह रहा था कि एलिजिबल होंगे इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, वो यही होंगे जिन लोगों ने रिकॉर्ड डेट से पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया था, यानी कि 25 अक्टूबर से पहले तक जिस व्यक्ति ने पीएमसी फिनकॉर्प के शेयर्स को बाई किया था सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे, वही व्यक्ति शेयर होल्डर्स कहलाएंगे मतलब इस राइट इशू के लिए जिन लोगों ने 25 अक्टूबर के पहले इसमें अप्लाई किया था। अब इसका क्या होगा कि आईपीओ के जैसे अलॉटमेंट, हालांकि इसमें तो अलॉटमेंट फिक्स होता है क्योंकि आईपीओ में तो लॉटरी बेसिस होता है, लेकिन लिस्टिंग वगैरह और जो शेयर्स का क्रेडिट होता है वो सब आईपीओ की तरह होता है। तो ये अभी डेट नहीं आई है, जैसे डेट अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो बहुत टाइम है, आपको 19 नवंबर तक टाइम सिर्फ अप्लाई करने का, आप अप्लाई कीजिए फिर मैं नया वीडियो बना के इसके बारे में अपडेट करूंगा। राइट इशू में अप्लाई जरूर कीजिएगा, अप्लाई करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जैसे मैंने बता दिया कि मार्केट भाव से कम प्राइस पर कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, और नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है उसे आप इस डेट
के पहले जरूर भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइट इश्यू के बारे में यहाँ पे जो जानकारी मैंने आपको दी है समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।